हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लंग्स के बारे में। पर रुकिए, हम आज दो चैप्टर करने वाले हैं, एक लंग्स के बारे में और कुछ बॉडी फैक्ट्स हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं लंग्स के बारे में। देखिए, लंग्स यहाँ से जैसे आप ब्रीथ करते हो अंदर, तो हमारे नोज के अंदर कुछ हेयरी सी चीज़ होती है जिन्हें हम कहते हैं म्यूकस। वो हमारे डर्ट और जर्म्स को पकड़ते हैं हमारे नाक के अंदर। फिर जब वो अच्छी क्लीन एयर यहाँ पर जाती है तो वो ट्रैक में जाती है और सीधा क्रॉस आती है ब्रोंकस में। ब्रोंकस यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं एयर। यहाँ पर ये दोनों होते हैं एक सैक्स जैसे, इन्हें हम कहते हैं लंग्स। और जब ये अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर कुछ मैजिक होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैजिक होता है। यहाँ पर आते ही यहाँ पर घुसती है एयर, तो फिर यहाँ पर चली जाती है। इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में के ऊपर कुछ ब्लड कैपिलर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन चले जाते हैं और फिर वो पूरी बॉडी में चली जाती है। और फिर हमारी जो फिर वापस जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर यहाँ से सीधा चले जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है लंग्स के बारे में। और मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लंग्स के नीचे कुछ एक डोम शेप सा कुछ होता है जिसका नाम है डायफ्राम। और जब ये लंग्स फूलते हैं तो ये कंप्रेस ये कम हो जाते हैं और फिर जब ये छोड़ते हैं सांस तो ये बड़ा हो जाता है। चलो अब हम आते हैं सम बॉडी फैक्ट्स पर। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अ ह्यूमन बीइंग लूजेस एन एवरेज ऑफ 40 to 100 स्ट्रिंग्स ऑफ हेयर अ डे। मतलब हम 40 से लेकर 100 स्ट्रेंज ऑफ बाल एक दिन में हमारे झड़ते हैं। 2, स्नीज कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जो स्नीज है जब हम छींकते हैं तो वो 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर भी जा सकते हैं। ये कुछ यूनिक सा है, कुछ अच्छे से कुछ दे रखे हैं नीचे। यहाँ पर लिखा है कि एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक टंग प्रिंट। एवरी पर्सन के हर आदमी के पास एक यूनिक टंग प्रिंट होता है। अब हम आते हैं 4 पर। अ फिंगर नेल और अ टो नेल टेक्स अबाउट 6 मंथ्स टू ग्रो फ्रॉम द बेस टू द टिप। हम 5वें पर आते हैं। इट टेक्स 17 मसल्स टू स्माइल एंड 43 टू फ्रोन। मतलब आप स्माइल करते रहेंगे। 6, बेबीज आर बॉर्न विद 300 बोन्स बट बाय अडल्टहुड वी हैव ओनली 206 बोन्स इन आर बॉडी। मतलब हमारे जो वो बोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो एक साथ जुड़कर बहुत बड़े बन जाते हैं और इससे हम टॉल बन जाते हैं। 7, एट द एज ऑफ 16 मोस्ट पीपल हैव लॉस्ट अ हाफ ऑफ देयर टेस्ट बड्स। मतलब वो अपने हाफ टेस्ट बड्स खो चुके हैं जब वो 60 के ऊपर या 60 के हो जाते हैं। 8, ईच स्क्वायर इंच ऑफ ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 20 फीट ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब हर स्क्वायर इंच पर हमारे ह्यूमन स्किन में 20 फीट के ब्लड वेसल्स होते हैं। फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन टो नेल्स। मतलब जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज
कंपेयर टू हमारे टू नेम्स से। ये हमारा लास्ट वाला है, द स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे मैं आप देख रहे हो कि मेरे पूरे बॉडी पर स्किन है, मेरा कोई भी ऑर्गन दिख नहीं रहा है इंटरनल का।